देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो प्रति वर्ष 80 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर 5 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवनों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 4,600 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के आरजीआरआई एयरपोर्ट के वर्तमान T1 टर्मिनल का उन्नयन किया गया है। इन परियोजनाओं से विकसित भारत की संकल्प महत्वपूर्ण कदम होगा। आग्रह था कि अयोध्या जोड़िए, ऐसा कोई उनसे करिए जो फ्लाइट आ रही है वो अयोध्या होकर के और लखनऊ जाए, या लखनऊ से अयोध्या से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो संत जन है उनकी डिमांड है। मैं कि यहाँ से अयोध्या सीधे जुड़ जाए, बाकी तो फिर पहले ऐसा ही आया था कि अयोध्या से ही जुड़ जाए, पहले अयोध्या से ही शुरू हो, बता रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा रस हो गया। हाँ तो उसको अयोध्या माया लखनऊ, अभी अयोध्या में जाए और अयोध्या प्रयागराज होकर के इधर आए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्या लखनऊ होकर लखनऊ से अयोध्या बनाना चाहिए, चलेगा तो अच्छा बिजनेस चलेगा। अच्छा अच्छे लोगों का आवागमन अयोध्या, जो अयोध्या देखेगा चित्रकूट देखने आएगा, जरूर चित्रकूट आएगा तो वो उसकी इच्छा है कि अयोध्या देख लेंगे।
करता हूँ। आइए मैं दिखाता हूँ चित्रकूट एयरपोर्ट जो आज से उड़ान भरना शुरू कर दिया है, जिसका आज उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आइए मैं दिखाता हूँ आपने पीछे, यहाँ से आप ये जो है ये टिकट काउंटर है, यहाँ आप टिकट बुक कर सकते हैं, जहाँ सीधे फ्लाइट यहाँ चित्रकूट से लखनऊ के लिए होगी। इसके पीछे जो सिक्योरिटी पर्पज से जो पॉइंट बनाया गया है, यहाँ आप जो है आएंगे सीधे यहाँ पर जो आप चेकअप करवाइए, फिर आगे आए लिखिए वहाँ जाइए। यहाँ की शोभा उभित दर्शनीय है, तो आने वाले समय में चित्रकूट के विकास के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और ये सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि छोटे शहरों को भी कैसे एयरपोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाए और वहाँ पे आज भी शुरू हो। आज 5 एयरपोर्ट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी में लोकार्पण किया है। वैसे तो बहुत सारे उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण पे जो आध्यात्मिक महत्व इसका है, इससे बहुत ही ये खुशी का क्षण है, खुशी का पल है, और हम सब लोग इसके लिए उनको ढेर सारी बधाइयाँ भी देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। आज से उड़ान शुरू हो रही है, क्या विशेषता है चित्रकूट एयरपोर्ट की? देखिए, आज चित्रकूट एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। इसकी पहली उड़ान 12 तारीख को परसों होगी और यहाँ लखनऊ से पहली फ्लाइट आएगी और फिर वही फ्लाइट यहाँ से लखनऊ जाएगी, और उस दिन भी यहाँ पे माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा पैसेंजर्स को स्वागत करके। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो बहुत दिनों से मेहनत की जा रही थी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन द्वारा, वो साकार हो रहा है और जनपद के सभी वासियों का भी सपना साकार हो रहा है कि हवाई कनेक्टिविटी से हम लोग डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। सर, ये पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट है, कैसे देखते हैं इसके विषय में? देखिए, बहुत ही दुर्गम स्थल था, आप लोग जो यहाँ के निवासी हम जानते हैं कि यहाँ पे बनाने में काफ़ी जो इंजीनियरिंग टीम थी, प्रशासन, सभी को इसमें काफ़ी कठिनाई हुई क्योंकि 2 घाटियों के बीच में एयरपोर्ट स्थित था। लेकिन सभी के प्रयासों से और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के अथक परिश्रम से हम इसको सक्सेसफुल कर पाए हैं और यहाँ से पहली फ्लाइट उड़ेगी। सर, आपके रहते हुए सर चित्रकूट का काफ़ी विकास हो रहा है, कैसे देखते हैं सर? नहीं, धन्यवाद। लेकिन देखिए, जब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की सरकार है, दोनों की नीतियों से लगातार हम लोग उसका अच्छा क्रियान्वयन कर रहे हैं सभी के सहयोग से, और उससे विकास हो रहा है। सर, जिस तरह से जो ये एयरपोर्ट का उद्घाटन, किस तरह से यहाँ के पर्यटन के, यहाँ के लोगों के रोजगार खुल करके क्या? देखिए, जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चालू हो गया है, राम वनगमन पथ का काम चल रहा है, तो कनेक्ट, और ये एयरपोर्ट सेवा भी चालू हो रही है, तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जो देश विदेश के पर्यटक हैं उनको आने में सहूलियत होगी और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, और पर्यटकों के कारण जो अर्थव्यवस्था यहाँ पे होटल है, रेस्टोरेंट है, और भी जो ट्रांसपोर्ट है वो भी व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ेगी, तो पूरी अर्थव्यवस्था को इसमें बल मिलेगा।
भीड़ एरिया चूँकि भीड़ एरिया था यहाँ पर, तो सर सुरक्षा के लिहाज से और जिला प्रशासन द्वारा किस तरह के विशेष इंतजाम किए गए यहाँ के लिए? देखिए, यहाँ एयरपोर्ट की सुरक्षा जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक विशेष बल बनाया गया है SSF, उसके कस्टडी में है और SSF के जवानों ने यहाँ एयरपोर्ट को अपने अंदर ले भी लिया और वो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कराएंगे। धन्यवाद। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चित्रकूट एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन हुआ है और चित्रकूट एयरपोर्ट धार्मिक नगरी होने के कारण यहाँ हवाई जहाज़ का यात्रा का काफ़ी संभावना रहेगा। यहाँ पर जो टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ है उसमें 100 यात्रियों के बैठने की सुविधा है, जिसमें 50 डिपार्चर 50 अराइवल रहेगा और एक VIP लॉन्ज है। ये प्रथम चरण का कार्यक्रम है। द्वितीय चरण में यहाँ पे जो बड़ा रनवे जो हमारा बन जाएगा 2500 मीटर लंबाई का, उसमें हमारा बड़ा वाला जो एयरक्राफ्ट है एयरबस 321 वो लैंड करेगा और उसकी कैपेसिटी लगभग 120 के आसपास होगी, जिससे चित्रकूट का औद्योगिक विकास, धार्मिक विकास, पर्यटन विकास, सारे विकास संभव हो पाएंगे। सर शुरुआत कब से है और जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो कब तक शुरू होगा? चित्रकूट एयरपोर्ट का कार्य लगभग 5-6 वर्ष से चल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लगभग 1-2 साल में ही काम करके बिल्डिंग का निर्माण किया है और दूसरे फेज का जो रनवे का कार्यक्रम है कार्य है वो लगभग 5-6 महीने में संपूर्ण हो जाएगा कुछ समय में। सर ये जो शुरुआत होगी चित्रकूट एयरपोर्ट से शुरुआत होगी पहली लखनऊ के लिए फ्लाइट 12 मार्च को। अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई उसके मुताबिक मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन हवाई यात्रा यहाँ से चलेंगी और अगर यात्री बढ़े और उसकी मांग बढ़ी तो हो सकता है कि डेली एक फ्लाइट चले। और अगली उड़ाने जो और कहाँ के लिए आगे का अगली उड़ाने वो मंत्रालय और हमारा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। सर सिक्योरिटी के पर्पज़ से यहाँ कैसे क्या व्यवस्था रहेंगी? सिक्योरिटी पर्पज़ से सिक्योरिटी यहाँ की हमारी SSF जो है वो दिख रही है और जिसकी तैनाती हमारे सारे पॉइंट पर रहेगी और चित्रकूट एयरपोर्ट की सारी सुरक्षा व्यवस्था। एयर टॉप जो टेबल टॉप लेवल टॉप उन पर क्या विशेष टेबल टॉप एयरपोर्ट बेसिकली क्या होता है कि वो पहाड़ी के सबसे ऊंचे वाले स्थान पर बनाया जाता है, खूबसूरत होता है, बस उसमें कोई ऐसी और विशेषता नहीं है, विशेष सतर्कता नहीं बरतनी पड़ती। नहीं नहीं, इस एयरपोर्ट की कुछ विशेषताएँ हों जो अन्य एयरपोर्ट की अपेक्षा एटमॉस्फेयर और यहाँ के वातावरण और यहाँ की जो एयरपोर्ट की व्यवस्था ये है कि यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारा वाइल्ड लाइफ मूवमेंट है और बर्ड एक्टिविटी वो उतनी ज़्यादा नहीं है। प्रशासन ने बहुत सहयोग किया हमारे इसमें, DM साहब को मैं शुक्रगुजार हूँ, सारे स्टेट हमले का शुक्रगुजार हूँ, हमें पर सारे कार्य संपूर्ण करवाया विनय जंजिले एयरपोर्ट डायरेक्टर।